देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा बिलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा बिलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा बिलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल थल और नभ तीनों मार्गों से काशी आ सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु यहाँ अपने प्रवास की सुखद स्मृतियाँ लेकर जाते हैं। गंगा बिलास क्रूज सेवा के सफल संचालन के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।